जय श्री राम परम्परे। मेरे भाई बहन, श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लगभग संपन्नता की ओर है। कई प्रश्न आ रहा है कि जिन लोगों ने पूरे श्रावण महीने का व्रत किया है, उपवास किया है अथवा श्रावण सोमवार का किया है, तो उद्यापन कैसे करें, व्रत को पूर्ण कैसे करें, ये बड़ी दुविधा मन में बनी हुई है। तो जैसे हम अन्य व्रत करते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, इसी प्रकार से जो श्रावण माह का व्रत है वो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे तब तक हमें करना चाहिए। फिर भी कई बार हमें अनुभव होने लगता है कि नहीं, अब हमारा शरीर इस रूप में व्रत नहीं कर सकता है, तो वैसी स्थिति में उद्यापन करना आवश्यक रहता है। जैसे कि आप कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका एग्जाम देते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। इसी प्रकार से जब हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत के बाद में उद्यापन की बात अवश्य आई है। तो एक तो सामान्य उद्यापन होता है और एक जो है विशेष उद्यापन होता है। सामान्य उद्यापन कह सकते हैं कि महीना भर जो है आपने व्रत कर लिया और पूर्णिमा होने को है, उस दिन हमने जो है एक सामान्य उद्यापन कर लिया। उसके बाद ऐसे जब 11 साल हो गया, 15 साल हो गया, 16 वर्ष हो गया, 21 वर्ष हो गया, उसके बाद में एक विशेष उद्यापन पूजन करना चाहिए, वो भी आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके मार्गदर्शन में। अब कितने वर्ष करें, तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, हमारे भैया जो है बहुत बड़े कैमरा मैन है, मैं चाहूंगा भगवान का भी दर्शन कराते रहे नजदीक जा करके। तो जैसे कि हमने 11 वर्ष किया और उसके बाद हमारा शरीर जय जय सियाराम कर रहा है, अथवा हमारा 9 वर्ष ही पूरा हुआ है और अब जा करके हमें वहीं से प्रयत्न करके 1 वर्ष के बाद में 11वें वर्ष में, मतलब थोड़ा प्रयत्न करके 11 वर्ष तक ले जाना चाहिए, और 11वें वर्ष में विधवत उनका उद्यापन, जिस प्रकार से आप यहाँ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार से अथवा इससे थोड़े में अपने घर में आचार्यों को बुला करके अथवा मंदिर में ही विशेष रुद्राभिषेक करके पूजन करके और उसमें शिव पार्वती का रूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को मान करके उनका भी विधवत चरण धो करके उनको वस्त्र इत्यादि, अब जैसी आपकी कैपेसिटी है 5 वस्त्र दे सकते हैं, 5 दीजिए नहीं, 1 गमछा ही दे सकते हैं, गमछा दीजिए, जैसी आपकी शक्ति हो। पर हाँ, प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि अपनी शक्ति से थोड़ा हम बढ़ करके करें। तो 5 वस्त्र इसी प्रकार से जो ब्राह्मणी है उनके लिए, वो ब्राह्मणी को ना मानते हुए माता पार्वती का रूप मान करके, फिर इसी प्रकार से 5 वस्त्र हैं, 5 प्रकार के फल हैं, या उससे आगे सोना चांदी जितना भी आप कर सकते हैं उत्साह पूर्वक करना चाहिए। ऐसा मान करके कि प्रत्यक्ष अगर भोले बाबा हमारे घर में आएंगे तो उनको हम कैलाश ले जाने के लिए क्या क्या सामग्री अर्पण करेंगे, ऐसी भावना से हमें करना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रति महीना के बाद में हर वर्ष जो श्रावण का महीना आता है और उसके बाद जब पूर्ण होता है तो पूर्णिमा के दिन हमें सामान्यतया जैसे हम नित्य पूजा करते हैं उससे थोड़ा बढ़कर के अगर आचार्य पुरोहित मिल सकते हैं तो उनके द्वारा रुद्राभिषेक करके और ब्राह्मण ब्राह्मणी को अथवा शिव जी को ही जो है वस्त्र और साड़ी त्यार सब अर्पण करके माता पार्वती, क्योंकि जो शिवलिंग होता है उसमें जो अर्घा है वो माता पार्वती का रूप, शक्ति का रूप माना गया है, तो वो अर्पण करके और बाद में उनको प्रणाम करके दान अर्पण कर देना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, उतना ना भी कर सकते हैं तो महीना पूरा हुआ और इस वर्ष देखें 2022 में जो लोग उत्तर भारतीय परंपरा अनुसार श्रावण का व्रत कर रहे हैं तो 12 अगस्त तक करना उत्तम रहेगा। 12 अगस्त तक विधि का पालन करना चाहिए क्योंकि सूर्योदय में पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है, कब, 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को विशेष पूजा करके और इस वर्ष का श्रावण का समापन होगा। एक बात और, जो बहनें अभी तक जो है 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहती थी, किसी कारणवश से प्रारंभ में नहीं उठा पाई हैं, तो अभी जो है कल का समय, हाँ कल ही सोमवार है, कल का समय है, कल से वो प्रारंभ कर सकती हैं। अथवा जो महाराष्ट्र गुजरात के हैं तो अभी उनका 15 दिन का श्रावण और है, तो उस भावना से भी आप अभी भी प्रारंभ इस सत्र में कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतनी जानकारी पर्याप्त है, तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, पुनः आप सबसे भेंट होगी एक नई जानकारी के साथ में। कोई भी मन में इसमें दुविधा हो, कुछ विशेष लगे तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।